हरिद्वार स्टेशन से करीब 8 किलोमीटर दूर महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि पर शांति कुंज गायत्री परिवार आश्रम की स्थापना 1971 में पंडित श्री राम शर्मा एवं भगवती देवी शर्मा ने की थी। शांति कुंज को भारत का सबसे बड़ा आश्रम कहा जाता है। यह स्थान आचार्य श्री राम शर्मा और उनकी पत्नी भगवती देवी शर्मा की समाधि स्थली भी है। यह मात्र आश्रम ही नहीं एक अभियान भी है। लक्ष्य है समाज में फैली गलत विचारधारा और अधर्म को मिटाकर मनुष्य में प्रेम और भाईचारा पैदा करना। यहाँ यज्ञशाला, गायत्री माता मंदिर, अखंड दीप, देवता हिमालय मंदिर, ज्ञान मंदिर, ऋषियों का मंदिर, अस्पताल और चिकित्सा केंद्र आदि प्रतिष्ठान हैं। यहाँ पर कई तरह के शिविर समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा भी यहाँ मुंडन संस्कार, धार्मिक कर्मकांड संपन्न कराए जाते हैं। आश्रम में आकर आप कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती। हिंदू धर्म के रीति और संस्कारों को कराने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आते रहते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन दिव्य मंत्र उच्चारण के साथ यज्ञ किया जाता है। अगर आपको कोई शारीरिक या मानसिक बीमारी है तो शांति कुंज में वैज्ञानिक रूप से साबित किया है कि हर दिन यज्ञ करने से शरीर की सभी बीमारियां खत्म होती हैं। अगर आप सुबह 5 बजे शुरू होने वाले यज्ञ में हिस्सा लेते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि सुबह 5 बजे से 5:30 बजे का यज्ञ पूरी विधि के साथ होता है, जबकि 5:30 बजे के बाद वाला यज्ञ राउंड 10 मिनट ही चलता है। इसके अलावा यहाँ खाने पीने की बहुत ही अच्छी सुविधा है जो कि बिल्कुल निशुल्क है। माँ भगवती भोजनालय भारत का यह पहला हिंदू गुरुद्वारा है जहाँ प्रतिदिन 5000 से 6000 लोग सुबह और शाम निशुल्क भोजन करते हैं। भोजनालय में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। शांति कुंज के भोजनालय में आप सात्विक खाना यानी कि लहसुन और प्याज के बिना बना स्वादिष्ट खाना एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ खाने में कम मसाले और नमक का प्रयोग किया जाता है। अगर आप अस्वाद भोजन करना पसंद करते हैं तो आपको यहाँ बिना नमक का भी खाना मिल सकता है। भोजन में रोटी, दाल, सब्जी, कढ़ी, छाछ, चावल, खिचड़ी, दलिया जैसी कई चीजें अलग अलग दिन के हिसाब से होती हैं। अब मैं आपको यहाँ पर चलाए जाने वाले शिविर के बारे में बताती हूँ। आश्रम में बहुत तरह के शिविर चलाए जाते हैं जिनका आप हिस्सा बन सकते हैं। शिविर पूरी तरह से फ्री होता है जिसमें रहना, खाना, सोना, पीना सब कुछ शामिल है। शिविर में आने वाले भाइयों को कम से कम 2 जोड़ी पीले वस्त्र, कुर्ता, धोती एवं बहनों को पीली साड़ी अनिवार्य है। शिविर का हिस्सा बनने के लिए अगर आप वहां जाकर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो महीने की 25 या 26 तारीख को जाएं, क्योंकि हर शिविर महीने की पहली 1 तारीख को शुरू होता है। और शिविर में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड वेबसाइट एड्रेस इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको कुछ शिविर के बारे में भी जानकारी देती हूँ, जिसमें पहले है 9 दिवसीय साधना सत्र। यह 9 दिन चलने वाला छोटा अनुष्ठान सत्र है। इस शिविर के अंदर प्रतिदिन 30 माला गायत्री मंत्र जप करना होता है। मंत्र जप के अलावा बहुत सारे संगीत वाले कार्यक्रम होते हैं। आयुर्वेद के महत्व की जानकारी मिलती है। इन 9 दिनों में आप आध्यात्मिकता, स्वास्थ्य, मंत्र जप, शांति कुंज की दिव्यता तथा आध्यात्मिकता जैसी बहुत सी चीजें सीखोगे। शिविर का सारा टाइम टेबल, दिनचर्या आपको वहीं बता दिया जाएगा। दूसरा है युग शिल्पी 1 मासीय साधना सत्र। युग शिल्पी का मतलब नई दुनिया का निर्माण करने वाला व्यक्ति। 1 मासीय साधना सत्र में आपको योग, ढपली बजाना, मेडिटेशन, गायत्री मंत्र जप, समाज सेवा के कार्य, अनुशासन मर्यादा, ब्रह्मचर्य का पालन जैसे बहुत सारी अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं। यह शिविर महीने की 1 से 29 तारीख के बीच चलता है। शिविर खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। युग शिल्पी से पहले आपको 9 दिवसीय शिविर करना अनिवार्य है। अगला है त्रैमासिक संगीत प्रशिक्षण सत्र। यह शिविर करने से पहले आपको युग शिल्पी शिविर करना अनिवार्य है। अगर आपकी रुचि संगीत में है तो इस 3 महीने के शिविर में जरूर भाग ले। इसमें आपको भारत के सभी मुख्य संगीत यंत्र जैसे ढोलक, मंजीरा, सितार, ढपली, तबला, हारमोनियम आदि बजाना सिखाया जाता है। इसके अलावा आपको बहुत सारे प्रसिद्ध कलाकारों के साथ भजन गाना और विभिन्न प्रकार के गीतों को गाना सिखाया जाता है। इसके अलावा यहाँ स्वावलंबन कोर्स भी कराए जाते हैं, जिसमें आपको 30 से ज्यादा बिजनेस आइडिया मुफ्त में दिए जाते हैं, जिसमें लेडीज पर्स बनाना, कपड़े के बैग बनाना, सभी प्रकार के अचार मुरब्बों का बिजनेस, अगरबत्ती बनाने का बिजनेस, गाय के गोबर व गोमूत्र से विभिन्न प्रकार के गो उत्पादक बनाने का बिजनेस। पूरी ट्रेनिंग गुरु जी के देव संस्कृत विद्यालय में दी जाएगी। शांति कुंज में हर महीने, हर साल बहुत सारे शिविर चलते रहते हैं। शिविर की सारी जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं और शांति कुंज स्टाफ से फोन पर बात करके भी जान सकते हैं। शिविर में अप्लाई करने की सारी डिटेल्स जैसे वेबसाइट्स, मेल एड्रेस, फोन नंबर आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी।
अब मैं आपको बताती हूँ कि शांति कुंज आश्रम में कैसे रुक सकते हैं और कितने दिन के लिए रुक सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आश्रम में रहने की सुविधा फ्री में दी जाती है और इसीलिए यहाँ घूमने आए लोगों को 2 दिन से ज्यादा रुकने की परमिशन नहीं है। लेकिन अगर आप 1 महीना, 1 साल या रिटायरमेंट के बाद यहाँ आकर लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ वॉलंटियर या स्वयं सेवक बनकर आश्रम में रह सकते हैं। स्वयं सेवक को यहाँ जीवन दानी या समय दानी कहते हैं। जो लोग शांति कुंज में समय दान करते हैं उन्हें समय दानी कहते हैं। समय दान और जीवन दान देकर भी आप शांति कुंज में पूरी जिंदगी कुछ महीने या कुछ साल रुक सकते हैं। समय दान का मतलब शांति कुंज में नौकरी करना नहीं बल्कि अपने कौशल के अनुसार सेवा देना है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आश्रम में जाकर अपना फॉर्म भरना है जिसमें वो आपका परिचय पूछेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और माइंड टेस्ट होगा कि आप वास्तव में किस उद्देश्य से यहाँ समय दान करना चाहते हैं। जब आप इस टेस्ट में पास हो जाओगे तो आपको आपके स्किल के मुताबिक काम दे दिया जाएगा। फिर आप तय समय सीमा के मुताबिक वहाँ पर जाकर काम पर लग सकते हैं। आई होप कि ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपके काम भी आए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने परिवार, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।